अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मी शेख आसफ़, ट्यूटर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ यूट्यूब चैनल एस ए मैथ वाइब्स। हम टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन को डिस्कस कर रहे थे। टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन में आज जिस आर्टिकल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन का बड़ा ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। सो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्या होती है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके अंदर कौन सी टेक्निक्स अप्लाई होती है, ये हम आज वाले लेक्चर में डेयर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स सीखेंगे। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फॉर एनी टू फंक्शन एफ एंड जी, आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कुछ ओवरव्यू कर लेते हैं फिर ये वर्डिंग पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में डेयर स्टूडेंट्स आपको दो फंक्शन दिए जाते हैं, एक आपके पास एफ एफ एक्स होता है, एक आपके पास जी एफ एक्स होता है। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आप इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन डी ऑफ एक्स इक्वल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेटेड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी एक्स, ये हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला है। मैं इसको रिवाइज़ कर देता हूँ। आपको दो, आपके पास दो फंक्शन होंगे, एक एफ एफ एक्स एक जी एफ एक्स। इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन एफ एफ एक्स सेकेंड फंक्शन जी एफ एक्स डी एफ एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेटेड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी एक्स। सो इसमें हमने दो फंक्शन हमें दिए जाएंगे, मोस्टली जो सेकंड फंक्शन होता है जी एफ एक्स, इसको हम सेकंड फंक्शन कंसीडर करते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं तो किसको फर्स्ट फंक्शन रखना है, किसको सेकंड फंक्शन रखना है, यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा परेशान हो जाते हैं। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट में और सेकंड फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन लेनी है। सो हम कोशिश करेंगे मोस्टली हम सेकंड फंक्शन उसको रखें जिसकी इंटीग्रेशन आसान हो या जिसकी इंटीग्रेशन हमें आती हो। सो मोस्टली अगर ऐसा भी तो पॉसिबल है कि दो फंक्शन दिए गए हों, दोनों की इंटीग्रेशन जो है वो आपको पता हो और उसमें से एक की इंटीग्रेशन आसान हो और एक की इंटीग्रेशन मुश्किल हो, तो आसान वाले को हम सेकेंड फंक्शन रखेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में एक ट्रिक है कि इसमें अगर फॉर एग्जांपल आप दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हो और आपका जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो आपने अप्लाई किया सेकंड फंक्शन रख के और आपने देखा कि जो फंक्शन है वो बजाय कम होने के वो फंक्शन बढ़ रहा है, फंक्शन दो फंक्शन है, आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करो तो मोस्टली एक फंक्शन रह जाए। लेकिन अगर वो फंक्शन बढ़ रहा है तो हो सकता है आपने सेकंड फंक्शन को गलत रखा हो, तो आप उसको दोबारा फर्स्ट फंक्शन रख सकते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया गया एक फार्मूले ट्रिक के ज़रिए। वो फार्मूला कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर, जजमेंट के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर जो है वो फार्मूला जो है वो ड्राइव किया गया है। वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को 99.9% सॉल्व कर देता है, 1% चांसेस है कि वो फार्मूला कहीं पे फेल ना हो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस के ऊपर बना हुआ है, जजमेंट के ऊपर बना हुआ है, तो इस बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं। सो आइए, अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का ओवरव्यू था, अब हम इसकी सारी थीरी पढ़ते हैं और फिर प्रैक्टिस करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट फॉर एनी टू फंक्शन एफ एंड जी, इंटीग्रल एफ एफ एक्स जी एफ एक्स डी एक्स इक्वल एफ एफ एक्स इंटीग्रल जी एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेटेड जी एफ एक्स डी एक्स और एफ डैश एक्स डी एक्स। ये एफ एफ एक्स फर्स्ट फंक्शन, जी एफ एक्स सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेटेड फंक्शन, जो यहाँ जिस फंक्शन यहाँ पे इंटीग्रेशन ली गई है वही फंक्शन एज इट इज़ यहाँ पे आ गया है, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे मैंने जी एफ एक्स को सेकंड फंक्शन रखा हुआ है। सो इंटीग्रल एफ एफ एक्स डॉट जी एफ एक्स डी एक्स इक्वल एफ एफ एक्स डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेटेड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये फंक्शन की इंटीग्रेशन पहले ली जा चुकी है इसलिए इसको इंटीग्रेटेड फंक्शन बोला गया। देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर सेलेक्टिंग सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन को रखने के, सेलेक्ट करने के कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट रूल ऑफ थंब,
रूल ऑफ थंब डे स्टूडेंट्स वो होता है जो जजमेंट के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर आप ड्राइव कर लेते हो, जो आप अपनी पर्सनल स्किल्स के जरिए डेवलप करते हो कि ये मोस्टली क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, उसको रूल ऑफ थंब बोलते हो, लेकिन वो हर जगह अप्लाईकेबल नहीं भी हो सकता। इज़ नोन आई लेट, तो इसको आई लेट बोलते हैं। इज़ कॉमनली यूज, सो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया रूल ऑफ थंब ने, जिसको आई लेट बोलते हैं। आई लेट इज़ यूज फॉर, अब हमें पता होना चाहिए कि ये आई लेट क्या है। आई, इसका फर्स्ट लेटर आई है, स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए स्टैंड करता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मेरा मकसद लाइक साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेकेंड इनवर्स एक्स, सेकेंड इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, ये सारे के सारे जो फंक्शन मैंने कंसीडर किए हैं, ये सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं। सो आई जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए आता है आई लेट में। एल, एल स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन लाइक नेचुरल लॉग, लॉग एक्स। सो ये जो एल है ये स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन है। उसके बाद ए, ए स्टैंड फॉर अलजेब्रिक फंक्शन है। सो अलजेब्रिक फंक्शन कौन से होते हैं? पॉलिनोमियल लाइक एक्स स्क्वेयर, एक्स फोर, एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, ये सारे के सारे आपके पास पॉलिनोमियल्स हैं। सो अलजेब्रिक फंक्शन से मेरा मुराद पॉलिनोमियल्स है। टी स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा, कॉट थीटा, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लास्ट आई लेट में जो ई है ये स्टैंड करता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज पावर एक्स, ए रेज पावर एक्स, टू रेज पावर एक्स, ये सारे के सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सो जो आई लेट इंटीग्रेशन बाई पार्ट में फार्मूला ड्राइव किया, उससे आई एल ए टी ई से क्या मीनिंग्स हमने डेवलप किए हैं वो मैंने लिख दिए हैं। इनवर्स है, लॉगरिथमिक है, अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल है। और आगे ये अलजेब्रिक, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल के जो फंक्शन कंसीडर किए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो भी मैंने लिख दिए हैं। सो उम्मीद है कि आपको आई लेट का मीनिंग जो है वो पता चल गया होगा। अब हम देखते हैं आई लेट से हम आर्डर भी डिवेल्प करते हैं। आई लेट, सो आई पहले नंबर पे, लेट दूसरे नंबर पे, एल ए तीसरे नंबर पे, टी चौथे नंबर पे और ई पांचवें नंबर पे। सो आपके पास जो बाई पार्ट्स में दो फंक्शन दिए जाएंगे वो मोस्टली इन फार्मूले के मुताबिक जो है वो डिवेल्प कर जाएंगे। या तो इनवर्स लॉगरिथमिक होगा, या इनवर्स अलजेब्रिक होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, इनवर्स एक्सपोनेंशियल हो सकता है, लॉग अलजेब्रिक हो सकता है, अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल हो सकता है। सो मोस्टली दो फंक्शन जो कंसीडर करने हैं वो इस फार्मूले के ऊपर लाई कर जाते हैं। तो फिर हमने देखना है जो फंक्शन दो उसने दिए हैं उसका आर्डर, पहले नंबर पे कौन सा फंक्शन है, दूसरे नंबर पे कौन सा फंक्शन है, ये कंसीडर करना है आई लेट ने। फॉर एग्जाम्पल लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक फंक्शन है, सो लॉग का दूसरा नंबर है, अलजेब्रिक का तीसरा नंबर है, तो हमारे पास सेकंड फंक्शन क्या होगा? अलजेब्रिक होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट में। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, सो ट्रिग्नोमेट्रिक का चौथा नंबर है, एक्सपोनेंशियल का पांचवा नंबर है, तो सेकंड फंक्शन हमारे पास पांचवें नंबर वाला होगा। सो उम्मीद है यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा डियर स्टूडेंट्स कि किसको हमने सेकंड फंक्शन रखना है और किसको फर्स्ट फंक्शन रखना है। सो अब मैंने इसी फार्मूले के मुताबिक हर एक के ऊपर एक एक एग्जाम्पल जो है वो कोड की है, हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो ये थीरी आपको क्लियर हो जाएगी प्रैक्टिस के जरिए, एग्जाम्पल्स के जरिए। इवेल्यूएट इंटीग्रल एक्स साइन एक्स डी एक्स, सो दो फंक्शन दे दिए, एक एक्स है, एक साइन एक्स है, सो बाई पार्ट्स वो कह रहा है इसके ऊपर अप्लाई करो। सो अगर हम देखते हैं एक्स, तो हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है जिसका फार्मूले में नंबर थ्री है, पोजिशन थ्री है। साइन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका पोजिशन जो है फोर है। सो यहाँ फार्मूला इंडिकेट कर रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फोर है, ये सेकेंड फंक्शन आना चाहिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट में। तो इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, सेकेंड फंक्शन साइन एक्स को रख लेते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेटेड फंक्शन इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी एक्स और डी एक्स और आपके पास क्या आ जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स।
एक्स आ जाएगा एंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, डियर स्टूडेंट्स माइनस कॉज एक्स होती है, सो माइनस कॉज एक्स माइनस इंटीग्रल एंटीग्रेटेड फंक्शन, आपके पास जो है साइन एक्स की एंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स है, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा डियर स्टूडेंट्स, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स डी एक्स बाई डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स, सो माइनस एक्स कॉज एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस एंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स डॉट वन डी एक्स। तो हमारे पास दो फंक्शन थे, उस पर एंटीग्रेशन बाई पार्ट अप्लाई किया, यहाँ पे एक फंक्शन रह गया, सो इंटीग्रल ऑफ कॉज एक्स किसके इक्वल हो गया, साइन एक्स के इक्वल हो गया। फाइनली आंसर क्या आ गया, माइनस एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। सो ये हमने क्या किया, एक अल्जेब्रिक फंक्शन था, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, पोजीशन आइलेट फार्मूले में देखी, सेकंड फंक्शन पिक किया वहाँ से, और सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट उसके ऊपर अप्लाई कर दी और उसका आंसर आ गया। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, इवेल्यूएट इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ई एक्स डी एक्स, इसके ऊपर बाय पार्ट अप्लाई करनी है। तो फार्मूला बताएगा कि एक्स स्क्वायर कौन सा फंक्शन है, अल्जेब्रिक फंक्शन है, पोजीशन थ्री है, एक्सपोनेंशियल कौन सा फंक्शन है, फोर्थ एक्सपोनेंशियल फिफ्थ फंक्शन है, फिफ्थ पोजीशन है डी है। सो जो फाइनल जो है फिफ्थ है उसको हम क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे आईलेट की रोशनी में। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटेड ऑफ सेकंड फंक्शन इंटीग्रल एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेटेड फंक्शन ई इंटीग्रल ई एक्स डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर ई एक्स की एंटीग्रेशन आपके पास ई एक्स ही होती है, ई एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस ई एक्स इंटीग्रेटेड फंक्शन ई एक्स और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर टू एक्स डी एक्स। सो आपके पास फाइनल क्या रिजल्ट बना, एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस टू कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा एक्स ई एक्स डी एक्स। यहाँ पर आप देखो कि आपके पास दो फंक्शन स्क्वेयर में गिवन थे, तो आपने एंटीग्रेशन बाई पार्ट अप्लाई किया तो स्क्वेयर कन्वर्ट हो गया एक्स में, तो इसकी एक जो है वो पावर कम होगी, लेकिन अभी भी आपके पास फंक्शन जो है वो दो हैं, एक एक्स है एक ई एक्स है, इसका मतलब अगेन आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट यहाँ पे अप्लाई करनी होगी। तब तक इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करते रहेंगे जब तक दो फंक्शन कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे एक फंक्शन में, और फाइनली फिर हम उसकी इंटीग्रेशन लेके आंसर में ऐड कर देंगे। इसको ए बोल दिया, यहाँ से एक्स ई एक्स को बाहर निकाला क्योंकि इंटीग्रल का साइन है, इंटीग्रल एक्स ई एक्स, फिर x अल्जेब्रिक फंक्शन है, ई एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सेकंड फंक्शन आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना है, x एंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई एक्स की एंटीग्रेशन ई एक्स ही होती है माइनस एंटीग्रेटेड फंक्शन ई एक्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी एक्स बाई डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स। सो क्या हो जाएगा, x ई एक्स माइनस एंटीग्रेटेड फंक्शन ई एक्स, और इसका डी एक्स बाई डी एक्स आपस में कट जाएगा और वन आ जाएगा डी एक्स, एक्स ई एक्स माइनस इंटीग्रल ई एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डियर स्टूडेंट के जो है यहाँ पे एक्स जो है वो मिसिंग है, एक्स के ऊपर पावर आपके पास स्क्वेयर थी, टू टाइम इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई किया तो वो स्क्वेयर ख़त्म हो गया और एक्स भी साथ ख़त्म हो गया, फंक्शन आपका एक रह गया, इंटीग्रल ई एक्स डी एक्स, और ई एक्स की इंटीग्रेशन आपके पास ई एक्स ही होती है, एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स प्लस सी। इसको पुट कर दोगे आप दोबारा फिर ए इक्वेशन में जो कि आपके पास है एक्स स्क्वायर ई रेज पावर एक्स माइनस, यहाँ से हमने ये रिजल्ट ड्राइव किया एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स प्लस सी। सो टू के साथ जब मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस टू एक्स ई एक्स प्लस माइनस, और ये प्लस आएगा प्लस आपके पास टू ई एक्स प्लस सी, ये फाइनल आपके पास क्या आ गया इंटीग्रेशन बाई पार्ट से डियर स्टूडेंट्स आंसर आ गया। थर्ड यहाँ पर हमने एक अल्जेब्रिक था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंसीडर किया साथ और उस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई की, यहाँ पे अल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन किया और इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई की। अब अल्जेब्रिक और साथ लॉगरिथमिक फंक्शन कंसीडर करते हैं, सो इंटीग्रल एक्स लॉग एक्स डी एक्स। सो अल्जेब्रिक फंक्शन थर्ड पोजिशन पर है आई लेट फार्मूले में और लॉगरिथमिक फंक्शन जो है आपके पास दूसरे नंबर पर है, सो हम किसको रखेंगे सेकेंड फंक्शन, हम रखेंगे अल्जेब्रिक फंक्शन को क्योंकि वो तीसरे नंबर पे है, ये दूसरा और तीसरा, इसमें जो बड़ा नंबर होगा हम उसको सेकंड फंक्शन रखेंगे। सो लॉग एक्स मल्टीपल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एक्स की इंटीग्रेशन डे स्टूडेंट एक्स स्क्वेयर बाई टू माइनस एंटीग्रेटेड इंटीग्रल एंटीग्रेटेड फंक्शन एक्स स्क्वेयर बाई टू और डेरीवेटिव ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरीवेटिव वन बाई एक्स, सो वन बाई एक्स डी एक्स। एक्स स्क्वेयर बाई टू
log x minus 1 by 2 integral x square by x. सो एक्स स्क्वायर बाई एक्स को सॉल्व करेंगे तो आपके पास x आ जाएगा माइनस 1 बाई टू, एक्स की इंटीग्रेशन आपके पास क्या आएगी एक्स स्क्वायर बाई टू. अगेन यहाँ पे आप देखो दो फंक्शन थे एक रह गया, सो उसकी इंटीग्रेशन आप सेपरेट ले लोगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी इज द राइट आंसर. देन हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स को डिस्कस कर रहे थे, उसके ऊपर हमने आई लेट फार्मूला डेवलप किया और आई लेट फार्मूले को यूज़ करते हुए किसको सेकंड फंक्शन रखना है ये सीखा है और उसके ऊपर हम डिफरेंट एग्जांपल्स को कर रहे हैं. आइए एक और एग्जांपल करते हैं. अगर फंक्शन ही एक हो, एक अकेला फंक्शन हो, फिर उसके ऊपर इंटीग्रेशन बाई पार्ट कैसे अप्लाई करनी है. सो क्योंकि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करने के लिए डियर स्टूडेंट्स ज़रूरी है कि आपके पास फंक्शन दो होने चाहिए. अगर फंक्शन आपके पास एक है तो उसके ऊपर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई नहीं कर सकते. सो दो फंक्शन, अगर एक फंक्शन हो तो आप उसके साथ दूसरा फंक्शन जो है वन क्रिएट कर लो. अगर एक फंक्शन है दूसरा फंक्शन वन क्रिएट कर लो, क्योंकि वन की इंटीग्रेशन पॉसिबल है और फिर आप दो फंक्शन कंसिडर रख के उसके ऊपर फिर वही प्रोसीजर अप्लाई कर दो. इंटीग्रल इवेल्यूएट इंटीग्रल लॉग एक्स डी एक्स. अगर आप इसमें देखें तो आपके पास जो फंक्शन एक है तो फर्स्ट फंक्शन वन जो है वो डेवलप कर लिया. सो वन जो है अलजेब्रिक फंक्शन है और लॉग एक्स आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन है. सो तीसरा नंबर आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन का है, इसके लिए सेकंड फंक्शन क्या होगा अलजेब्रिक फंक्शन होगा. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटीग्रल वन डी एक्स माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेटेड फंक्शन इंटीग्रल वन डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स लॉग एक्स. सो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव एक दूसरे के एंटी होते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. सो क्या बचा वन एक्स, वन और एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स आ जाएगा माइनस इंटीग्रेटेड फंक्शन एक्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स वन बाई एक्स डी एक्स. सो एक्स लॉग एक्स माइनस आपके पास अगेन क्या बचा इंटीग्रल डी एक्स. सो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव रिवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आपके पास क्या बचेगा वन एक्स, वन और एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स आ जाएगा. फाइनली x log x माइनस एक्स प्लस सी, ये आपके पास क्या आ गया राइट आंसर आ गया. ये हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर की इंटीग्रेशन बाई पार्ट की, जिसमें जस्ट आपके पास एक फंक्शन होगा. सो दूसरा फंक्शन कौन सा आप हमेशा कंसिडर करोगे वन. इवेल्यूएट लास्ट एग्जाम्पल है जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंसिडर करेंगे किसी दूसरे फंक्शन के साथ और उसके ऊपर इंटीग्रेशन बाई पार्ट अप्लाई करेंगे. इवेल्यूएट इंटीग्रल x साइन इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. तो एक्स साइन इनवर्स एक्स ऊपर है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये ऊपर जाके डेयर स्टूडेंट माइनस 1 बाई टू हो जाएगा. 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 एक्स आएगा. सो अगर हमने पीछे फंक्शन आगे डेरिवेटिव बनाना है सो एक्स हमारे पास मौजूद है, माइनस 2 एक्स हमें चाहिए, माइनस 2 चाहिए. तो हम अपनी तरफ से माइनस 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे. ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि पीछे फंक्शन और आगे डेरिवेटिव हमें चाहिए. सो माइनस 1 बाई 2 से बाहर डिवाइड कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. साइन इनवर्स एक्स ये वाला आ गया, मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स के रेज पावर माइनस 1 बाई 2, ये एक्स आगे चला गया, ये 2 से बाहर डिवाइड किया अंदर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 2 एक्स डी एक्स. अब आप इस वाले हिस्से को देखो, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 ये फंक्शन है. इस फंक्शन का अगर आपने डेरिवेटिव लेना है, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 एक्स डी एक्स. सो पीछे फंक्शन है आगे डेरिवेटिव है. लेक्चर नंबर 1 में हमने ये सीखा था कि डिफरेंट अगर आपको फार्मूले इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में कैसे हेल्प करते हैं. सो कौन सा फार्मूला मैं किस जगह पे कैसे अप्लाई कर रहा हूँ आपको लेक्चर 1 में सीखने को मिल जाएगा. आप वो लेक्चर्स देखने के बाद इसको देखिएगा तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है इस टेक्निक की बड़ी जल्दी से समझ आ जाएगी. सो अब ये आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पहली नंबर आई लेट फार्मूले में पहले नंबर पे है, और उसके बाद आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन है तीसरे नंबर पे है. सो सेकंड फंक्शन कौन सा होगा थर्ड. सो माइनस 1 बाई 2 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेटेड ऑफ सेकंड फंक्शन. जब पीछे फंक्शन है आगे डेरिवेटिव है तो फंक्शन की पावर इंक्रीज हो जाती है. माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, माइनस 1 बाई 2 प्लस 1. माइनस इंटीग्रेटेड फंक्शन यही वाला फंक्शन यहाँ पे आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाई 2 ओवर 1 बाई 2, और डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स वो होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स. माइनस 1 बाई 2
ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई टू प्लस 1 करेंगे तो माइनस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 1 बाई 2 आ जाएगा। ये 1 बाई 2 नीचे आएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह सेम ये 1 बाई 2 है, ऊपर जाके 2 हो जाएगा। सो इंटीग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट डी एक्स, इससे कैंसिल हो गया, 2 कॉमन आ गया। माइनस 2 बाई 2 इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस इंटीग्रल इंटीग्रल डी एक्स प्लस सी। एंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल, क्या बच गया एक्स प्लस सी। सो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस साइन एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस एक्स प्लस सी। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दिया, एक्स माइनस साइन एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी। ये डियर स्टूडेंट थी एंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, जिसको हमने फार्मूले के जरिए सॉल्व किया। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेटेड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सो किसको फर्स्ट फंक्शन रखना है, किसको सेकंड फंक्शन रखना है, ये डिसाइड करेगा आई लेट। सो आई लेट फार्मूले को फॉलो करते हुए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की समझ आ गई होगी, और अगर किसी जगह प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे उसका आंसर ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।